नमस्कार आज सात राज्यों की तेरह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए बंगाल बिहार उत्तराखंड पंजाब मध्य प्रदेश तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में हुए इन बाइपोल से मौजूदा सियासी समीकरणों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन नैरेटिव के लिहाज से ये बाइपोल बहुत अहम है सभी सीटों के नतीजे तेरह जुलाई को आएंगे यह रिजल्ट बाईस जुलाई को शुरू हो रहे संसद के सेशन के लिहाज से अहम होंगे सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों को इन चुनावों के नतीजों के आधार पर अपनी रणनीति तैयार करनी होगी और एक दूसरे पर अटैक करने का मौका भी मिलेगा यह बायपोल हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए भी काफी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टियों के खराब प्रदर्शन की वजह से सुक्खू और भगवंत मान दोनों पर ही परफॉर्मेंस का प्रेशर है आज की बात में हम इन बायपोल्स की इंपॉर्टेंस की चर्चा करेंगे यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी अपने खराब प्रदर्शन का विश्लेषण करने में जुटी है बीजेपी को सबसे ज्यादा अयोध्या की हार चुभ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस हार के बाद समीक्षा बैठकें कर रहे हैं अयोध्या को लेकर बीजेपी का एनालिसिस क्या है इस बारे में भी बात करेंगे उधर महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावों में भी जबरदस्त सियासत हो रही है महाराष्ट्र में चार महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल करके महायुति और महाविकास आघाड़ी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश में है लेकिन महाविकास आघाड़ी में इन चुनावों को लेकर विवाद हो गया है उसकी चर्चा भी आज की बात में करेंगे लेकिन सबसे पहले बात सात राज्यों में आज हुए उपचुनाव की आज बंगाल की चार हिमाचल प्रदेश की तीन उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों के साथ बिहार मध्य प्रदेश पंजाब और तमिलनाडु की एक एक सीट पर वोट डाले गए सभी सीटों पर औसत मतदान तिरसठ परसेंट से ज्यादा हुआ सबसे ज्यादा अठहत्तर परसेंट वोटिंग एमपी की अमरवाड़ा सीट पर हुई तमिलनाडु की विक्राबांदी सीट पर भी लगभग अठहत्तर परसेंट ही मतदान हुआ हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों पर बंपर वोटिंग हुई नालागढ़ में 75 परसेंट हमीरपुर में छियासठ परसेंट और देहरा सीट पर लगभग चौंसठ परसेंट वोट पड़े वहीं बंगाल की चार विधानसभा सीटों पर लगभग सिक्सटी फाइव परसेंट पैंसठ परसेंट वोट हुए उत्तराखंड की मैंगलोर सीट पर सड़सठ परसेंट तो बद्रीनाथ सीट पर लगभग अड़तालीस 48, 48 परसेंट वोट डाले गए पंजाब की जलंधर वेस्ट सीट पर लगभग बावन परसेंट मतदान हुआ इन उपचुनावों के नतीजे तेरह जुलाई को आएंगे आज जिन तेरह सीटों पर वोटिंग हुई उनमें से दो दो सीटें बीजेपी कांग्रेस और टीएमसी के पास थी तीन सीटों पर पहले इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते थे वहीं एक एक सीट डीएमके बीएसपी और आम आदमी पार्टी के पास थी आज सबसे ज्यादा चार विधानसभा सीटों पर पोलिंग बंगाल में हुई रायगंज राणाघाट रानाघाट साउथ बागदा और मानिकतला सीटों पर लगभग चौसठ परसेंट वोटिंग हुई इन चार सीटों में से तीन रायगंज राणाघाट साउथ और बागदा पर 2021 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी लेकिन बीजेपी के तीनों विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे और लोकसभा चुनाव भी लड़े थे ये तीनों चुनाव हार गए वहीं मानिकतला सीट पर टीएमसी विधायक साधन पांडे के निधन की वजह से बाईपोल कराया गया रायगंज सीट पर मुकाबला टीएमसी की कृष्ण कल्याणी और बीजेपी के मानस कुमार घोष के बीच है आज बाईपोल के दौरान रायगंज विधानसभा क्षेत्र से कई जगह हिंसा और मारपीट की खबरें आई रायगंज में वोटिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी के वर्कर्स के बीच झड़प हो गई एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी के उम्मीदवार ही आमने सामने आ गए दोनों ने एक दूसरे पर पोलिंग में गड़बड़ी करने का इल्जाम लगाया रायगंज में जब कुछ लोगों को चेकिंग के बाद वोटिंग से रोका गया तो बीजेपी कैंडिडेट मानस कुमार घोष ने पुलिस पर टीएमसी के प्रेशर में काम करने का आरोप लगाया मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी कैंडिडेट को फेवर कर रही है और उनके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है यहाँ पे अंदर में जो रायगंज म्यूनिस का एक काउंसिलर लोग है हर जगह में अंदर घुस के सारे भोटारो को वहां पे वहां पे सब कैप्चर कराए ये क्यों रहेगा अंदर में आ, पुलीस, आ, पुलीस कुछ नहीं कर रहे। अरे ममता पुलिस है ये ममता पुलिस काल रात डेढ़ दो बजे तक अपना जो पोलिंग एजेंट है उनके घर में घुस के जाके धमका रहा है यह ममता पुलिस का काम है आज नादिया जिले की रानाघाट साउथ सीट पर भी बायपोल हुआ रानाघाट सीट पर टीएमसी के मुकुट मणि और बीजेपी के मनोज विश्वास के बीच मुकाबला था रानाघाट में पोलिंग से एक दिन पहले ही हिंसा की खबरें आने लगी थी बीजेपी कैंडिडेट ने आरोप लगाया था कि पूर्णा नगर में बीजेपी की नेता अर्चना मंडल के घर पर टीएमसी वालों ने हमला किया उनके घर पर पथराव हुआ पथराव के बाद टीएमसी समर्थकों ने अर्चना मंडल के घर में घुसकर तोड़फोड़ की दो राउंड फायरिंग की पार्टी वर्कर के घर पर हमले के खिलाफ आज वोटिंग शुरू होते ही बीजेपी के वर्कर सड़कों सड़क पर उतरे टीएमसी और ममता सरकार के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई नॉर्थ चौबीस परगना की बागदा असेंबली सीट से भी हिंसा की खबरें आई बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी पर हमला हुआ दरअसल बागदा के एक पोलिंग बूथ से खबर मिली थी कि वहां टीएमसी वर्कर्स बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर ली इसके बाद बड़ी तादाद में बीजेपी वर्कर्स भी सिद्दीकिया सीनियर मदरसा में बने पोलिंग बूथ पर पहुंचे बूथ कैप्चरिंग की जानकारी मिलने पर बीजेपी कैंडिडेट विनय कुमार विश्वास मौके पर पहुंचे तो उनके ऊपर अटैक हो गया बीजेपी उम्मीदवार विनय विश्वास पोलिंग बूथ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागे तो लोगों ने उनकी कार पर भी पथराव किया तोड़फोड़ की। काफी देर हंगामा होता रहा पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इस झड़प को देखते रहे किसी ने इस मामले में दखल नहीं दिया बीजेपी कैंडिडेट विनय कुमार विश्वास ने कहा कि जब हमला हुआ तो पुलिस प्रशासन से उन्हें बचाने कोई आगे नहीं आया तो बूथ निरीक्षण कर हम तो जानकारी मिलने पर निरीक्षण करने पहुंचे थे पता चला था कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है जब मैं वहां पहुंचा तो पोलिंग बूथ पर मेरा कोई एजेंट नहीं था जब मैंने अपने एजेंट को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वो पोलिंग बूथ के बाहर है उन्हें केंद्रीय बलों ने पोलिंग बूथ से बाहर कर दिया था जैसे ही मैं पोलिंग बूथ से बाहर निकला तो मारपीट शुरू हो गई जय बांग्ला का नारा लगाकर मेरे ऊपर हमला कर दिया आप मेरी गाड़ी की हालत देख रहे हैं मैं बचकर अपनी गाड़ी तक पहुंचा तो गाड़ी पर अटैक कर दिया मुझे पुलिस प्रशासन का कोई आदमी वहां नहीं दिखा मैं बाहर आ गया तो कुछ लोग वहां खड़े थे लेकिन पुलिस ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया आज बंगाल की मानिकतला असेंबली सीट पर भी बायपोल हुआ इस सीट से पहले टीएमसी के साधन पांडे विधायक थे उनके निधन के बाद उपचुनाव में टीएमसी ने उनकी वाइफ सुप्ती पांडे को चुनाव में उतारा था वहीं बीजेपी ने पिछली बार चुनाव हारने वाले कल्याण चौबे को अपना कैंडिडेट बनाया था आज मानिकतला सीट पर पोलिंग के दौरान फर्जी वोटिंग की शिकायत मिली मानिकतला के विधाननगर इलाके में एक फेक वोटर को पकड़ा गया असल में वोटिंग डालने आए इस शख्स ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का आधार कार्ड ले रखा था सिक्योरिटी फोर्सेस ने शक के आधार पर उसकी जांच की और जब उसके पास असली डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो पुलिस के हवाले कर दिया गया बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा कि बायपोल के दौरान टीएमसी के समर्थक समर्थक लोगों को वोट देने जाने से रोक रहे थे कई पोलिंग बूथ्स पर बीजेपी समर्थकों को वोट डालने से रोका गया फिर भी सुकांतो मजूमदार ने दावा किया कि बायपोल की चारों सीटें उन्हीं की पार्टी जीतेगी बंगाल की जो स्थिति है वो भयंकर है ये नेक्स्ट टू द अफगानिस्तान आप बोल सकते अफगानिस्तान में जैसे तालिबान की सरकार होने से पहले जो अरा अराजकता थी जो आ, मतलब एक हैजीमोनी जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी हुआ था ऐसे ही सिचुएशन अभी पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल गोइंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन उसी तरफ पश्चिम बंगाल जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ममता बनर्जी की हमारे चीफ मिनिस्टर की कोई कंट्रोल नहीं है होलीगनिज्म चल रहा है होलीगंज के हाथों में पूरी सरकार है जिस तरीके से हर जगह पे वो रायगंज ले लीजिए बागदा ले लीजिए या आपका मानिकतला जहाँ पे टी खुद आगे थी वहाँ पे थर्टी वन नंबर वार्ड में ये हर जगह में टी के गुंडे रास्ते के जो मोड़ होते हैं जंक्शंस होते हैं वहाँ पे खड़े हैं और चौराहे पे खड़े होकर लोगों को धमकाना वोट नहीं दे, देने जाने के लिए बोलना ये सारी चीज़ें चल रही है। पूरे पश्चिम बंगाल के गुंडों को ये डिफरेंट डिफरेंट ये चार असम्बलीज जो हैं वहाँ पर एकोमोलेट किया गया है और गुंडई की कोशिश किया जा रहा है क्योंकि तृणमूल को पता है कि जनता निकल के अगर वोट देंगे तो यह चार में से चारों सीटें बीजेपी के झोले में आएगी इसलिए तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा डरा के, के धमका के लोगों को घर से निकलने से रोका जाए लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग निकलेंगे और वोट देंगे तो बीजेपी की जीत होगी हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग और वोटर्स को धमकाने डराने के इल्जामों को खारिज कर दिया टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जो भी हंगामा हुआ उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है बीजेपी के पास पोलिंग एजेंट नहीं है पार्टी के अंदर कई गुट हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं कृणाल घोष ने कहा कि जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ वहां टीएमसी जीत रही है इसलिए अब बीजेपी हार तय देखकर बहाने बना रही है भाजपा का बेसलेस एलिगेशन है थोड़ा बहुत जगह पे भाजपा प्रोवोकेशन दे रहा है एलिबाई तैरी करने के लिए हारने के बाद वो यही बोलेगा वो बोलेगा और दूसरा किसी जगह में वो भाजपा का जो ग्रुपिज्म है वो बहुत बुरी तरह से रास्ते में उतर गया मारा मारी हो रहा है और वो नजर घुमाने के लिए तृणमूल की तरफ अंगुल उठा रहा है अरे उसका पास उसका उसका पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसका पास उसका कोई सपोर्टर नहीं है कमेटी नहीं है बूथ कमेटी नहीं है एजेंट नहीं है वो एक एक अगर एक रैली करना पड़ेगा तो सात डिस्ट्रिक्ट से 200 करके लोग लाना पड़ रहा है उसको तो वो ये सब उसका जो लीडरशिप का जो फेल्योर है वो फेल्योर गार्ड करने के लिए डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है आज उत्तराखंड में भी विधानसभा की दो सीटों पर वोट डाले गए बद्रीनाथ विधानसभा में सैंतालीस हरिद्वार की मांगलोर सीट पर सड़सठ से ज्यादा वोट हुए बद्रीनाथ सीट कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे से खाली हुई है राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल होकर फिर से चुनाव के मैदान में है उनका मुकाबला कांग्रेस के लखपत बुडोला से है वही हरिद्वार की मैंगलोर सीट बीएसपी के विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई है यहां मुकाबला कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन और बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना के बीच है आज सुबह मैंगलोर के लिब्बेरहाड़ी गांव में वोटिंग के दौरान गोली चली और मारपीट की भी खबरें आई कांग्रेस पार्टी का इल्जाम है कि बीजेपी के समर्थकों ने मुसलमानों को वोट डालने से रोका उनके साथ मारपीट की और गोली चलाई जानकारी मिलने पर जब कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन मौके पर पहुंचे तो कई लोग घायल मिले काजी निजामुद्दीन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी समर्थकों ने उनके सपोर्टर्स को वोट नहीं डालने दिया पुलिस भी तमाशबीन बनी रही डालने के लिए मना किया जा रहा है जनता का ये ये लोकतंत्र की हत्या होते आप अपनी आंख से देख रहे हैं अति संवेदनशील कैटेगरी में है लेकिन यहाँ सुबह से हम सूचना दे रहे थे कि यहाँ जो गरीब तबका है उसको वोट डालने के लिए असामाजिक तत्व रोक रहे हैं लेकिन सवा आठ बजे आठ सवा आठ बजे से सूचना शुरू से आने लगी थी लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व गोली उन्होंने चलाई बताते हैं किसी के लगी भी है चोटिल तो है खून तो मैंने देखा अब ये नहीं मैं कह सकता चोट कहाँ की है एक आधे पौने घंटे बाद मैं पहुँचता हूँ यहाँ मैंने जब देखा खून में तो मैं उनको अस्पताल लेकर गया जो लोग वोट डालने से भी रुके हुए हैं उनको वोट डालने का अधिकार उनका है और उनको उस अधिकार से वंचित ना किया जाए पुलिस सुरक्षा में उनके वोट डलवाए जाए पुलिस प्रशासन का क्या कहना क्या अब पुलिस से हमने बात कर ली है वो तो पुलिस को देखना है क्या करेंगे वो राजनीतिक दबाव में है तो क्या करेंगे राजनीतिक दबाव में नहीं है तो क्या करेंगे तो उनके ऊपर हालांकि जब हिंसा की खबर मिलने पर हरिद्वार के एसपी रूरल स्वप्न किशोर पहुंचे तो उन्होंने किसी के घायल होने की बात से इनकार किया एसपी ने कहा कि हालात सामान्य हैं और वोटिंग बिना किसी परेशानी के हो रही है अभी इस संबंध में असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किए जाने की बात के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या बात हुई है और किस रूप में हुई है लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है और शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है आप मौके पर आए सर क्या इस तरह की स्थिति थी पुलिस फोर्स आया और क्या किस तरह की सूचना देखिए जो भी चीजें जब भी कोई सूचना मिलती है कि कहीं पर कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न हो सकती है या आशंका हो सकती है तो इस पर त्वरित रूप से मौके पर पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और वही वही करना भी कुछ लोग घायल भी हुए सर जिनको हॉस्पिटल लेके जाए अभी उस संबंध में कोई प्रामाणिक स्थिति और पुष्टिकारक जानकारी नहीं उपलब्ध हुई है इस बीच जब कांग्रेस के बड़े नेताओं को मैंगलोर बाईपोल में हिंसा होने मुसलमानों को वोट डालने से रोके जाने की खबर मिली तो सारे बड़े नेता रुड़की पहुंच गए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद विधानसभा में नेता विपक्ष जशपाल आर्या हरिद्वार के एफ एस रूरल के दफ्तर में धरने पर बैठ गए नारेबाजी करने लगे इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस कांग्रेस के समर्थकों को वोट डालने से रोक रही है बीजेपी समर्थकों को हिंसा और गोलीबारी की खुली छूट दे दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मतदाताओं से मारपीट को स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करार दिया हरीश रावत ने इल्जाम लगाया कि लोगों को कांग्रेस को वोट देने से रोका जा रहा है पुलिस और प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है हमको जो डर था जिस डर को हम लगातार व्यक्त कर रहे थे सत्ता शासन प्रशासन सबसे कह रहे थे शांतिपूर्ण मतदान कराओ शांतिपूर्ण मतदान कराओ लिबरहेड़ी में जो कुछ हुआ तो लोकतंत्र के उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसे धब्बे के रूप में याद किया जाएगा जिसका मुझे बहुत दुख है ये राज्य बहुत अरमानों से बनाया गया राज्य है हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से मतदाताओं को कभी डराया जाएगा आतंकित किया जाएगा दूसरे जगह से भी इसी तरीके की सूचनाएं मिल रही लिबरहेड़ी में जो लोग घायल हुए

मरपुर और नालागढ़ सीटों पर 68 परसेंट से ज्यादा वोट पड़े सबसे ज्यादा 78 परसेंट वोटिंग नालागढ़ सीट पर हुई 2022 के असेंबली इलेक्शन में ये तीनों सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती थी तीनों इंडिपेंडेंट विधायक कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे थे लेकिन इस साल फरवरी में राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को वोट देने के बाद इन तीनों निर्दलीय विधायकों को ये तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और विधानसभा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्पीकर ने उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए मामला हाई कोर्ट में गया उससे पहले स्पीकर ने इन तीनों इंडिपेंडेंट एमएलए के इस्तीफे मंजूर कर लिए इसके बाद आज उपचुनाव हुआ फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया था बाद में उन्हें डिस्कवालीफाई कर दिया गया था लोकसभा चुनाव के साथ इन सभी छह सीटों पर बाईपोल हुए थे जिनमें से चार सीटें कांग्रेस पार्टी ने दोबारा जीत ली थी अड़सठ सदस्यों की हिमाचल विधानसभा की एक्चुअल स्ट्रेंथ इस समय पैंसठ सदस्यों की है कांग्रेस के पास 38 सीटें हैं बीजेपी के पास 27 सीटें हैं ऐसे में तीन सीटों के नतीजों से हिमाचल विधानसभा के समीकरणों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इस बार के बाइपोल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपनी वाइफ कमलेश ठाकुर को कांगड़ा की देहरा सीट से कैंडिडेट बनाया है इसलिए यह उपचुनाव सीएम सुक्खू के लिए प्रेस्टीज इशू है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए सुक्खू की सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी का मिसयूज किया बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया फिर भी चुनाव में जीत बीजेपी की होगी इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने अपने दबाव का पूरा इस्तेमाल किया है और मैं इस बात को कहूं कि सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई हैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा पूरा दिन थाने में बिठा के रखा उनकी गाड़ियां थाने में जमा करके रखी ना कुछ उस पर प्राप्त हुआ ना कुछ उसमें मिला लेकिन उसके बावजूद भी विधायकों के पीछे गाड़ियां लगा करके रखी थी सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान आ, हमारे सीआईडी करने के लिए लगा के रखे थे फोन सर्विलेंस पे थे क्या नहीं किया गया इस चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पूरा भरोसा है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और हमीरपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजेगी आज बिहार मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी एक एक सीट पर विधानसभा सीटों पर वोट डाला गया बिहार की पूर्णिया जिले की रुपौली सीट पर हुए बाईपोल में इक्यावन परसेंट के करीब मतदान हुआ रुपौली सीट जेडीयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी बीमा भारती ने आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ा था हालांकि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव से हार गई थी अब विधानसभा बाईपोल में आरजेडी ने फिर से बीमा भारती को टिकट दिया उनका मुकाबला जेडीयू के कलाधर मंडल से है दोनों कैंडिडेट गंगोता समुदाय से आते हैं इस समुदाय का रुपौली में बहुमत है आज वोटिंग के दौरान बीमा भारती ने इल्जाम लगाया कि उनके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है पोलिंग एजेंट्स को तंग किया जा रहा है बीमा भारती की शिकायत यह थी कि, कि कई जगह उनके वोटर्स के साथ मारपीट भी हुई हालांकि बीमा भारती अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है हमारे आदमी को पकड़ के लेके जा रहा है थाना में बैठा रहा है कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है तो हम वही प्रशासन से आग्रह करेंगे इस तरह से मत कीजिए एक तरफा मत कीजिए सब सम्मानित है सब जो उम्मीदवार है सब एक सम्मान के तरह देखना चाहिए किसी कार्यकर्ता को आप परेशान कर रहे हैं किसी को आप मतदान करने के लिए फ्री छोड़ रहे हैं तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए चुनाव आयोग से तो कंप्लेंट करे रहे कि इस तरह से जो धंधली हो रहा है इस पर निगरानी ले चुनाव आयोग से भी आग्रह करेंगे कि हर बूथ पर डिस्टर्ब किया जा रहा है हमारे जो मतदाता है उसको वोट नहीं गिराने दे रहा है रात में भी कुछ हुआ था रात में भी फोर्स आया था तो पूरा घर घेरा हुआ था और जो है कि हमारा जो कार्यकर्ता उसको भी उठा के ले गया और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पर फोर्स लगा दिया था तो इसलिए पूरा डिस्टर्ब किया है लेकिन जनता जो है कि इस बार सजग हो चुका है कोई टफ नहीं होगा हर चुनाव जो है ना टफ होता है हम लोग हर चुनाव लड़े हैं आज से नहीं कोई नई नई चुनाव लड़े हैं दो हजार से लड़ते आ रहे हैं निर्दलीय से लेकर पार्टी से तो इस बार भी कोई नहीं होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको देखने के लिए बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव पप्पू यादव के खिलाफ लड़ा था और हार गई थी बीमा भारती की वजह से ही पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था लेकिन बाईपोल में पप्पू यादव अब खुलकर बीमा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं पप्पू यादव ने कहा कि लोगों में एनडीए सरकार से नाराजगी है इसलिए वोटर बीमा भारती को ही चुनेंगे बीस सालों से जदयू को वोट लोगों ने दिया है बीस सालों से लगातार वोट दिया समझिए तो 20 तो साल से लगातार वोट देने के बाद भी आप रुपोली का डेवलपमेंट अत्यंत पिछड़े पिछड़े इलाके का डेवलपमेंट नहीं कर पाए तो आप हमको जरा बताइए कौन सा डेवलपमेंट करिए लोगों में ये आक्रोश है कि हम 20 साल से सरकार को दिए हैं अब हम नया रास्ता लेंगे क्योंकि पप्पू यादव ने रुपोली को नंबर वन करने का निर्णय लिया है व्यक्तिगत कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको आप मान के चलिए किसी भी परिस्थिति में जनता को अत्यंत पिछड़ी जाति को गलत लोगों के हाथ में जाने से हम रोकेंगे और जो विकास नहीं किया उसके साथ जनता को नहीं होना चाहिए हमारे जो भी नेता वर्कर प्रखंड प्रमुख मुखिया जी लोग हैं सब के सब महागठबंधन और कांग्रेस के साथ खड़े हैं आज पंजाब की जलंधर वेस्ट सीट पर विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई लगभग बावन परसेंट वोटिंग हुई ये सीट अब तक आम आदमी पार्टी के पास थी लेकिन मार्च में यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए थे उपचुनाव में बीजेपी ने शीतल अंगुराल को ही टिकट दिया है वहीं कांग्रेस ने सुरेंद्र कौर और आम आदमी पार्टी ने मोहिंदर भगत को कैंडिडेट बनाया है लोकसभा चुनाव में जलंधर सीट कांग्रेस ने जीती थी कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर वेस्ट असेंबली सेक्शन में भी आगे रहे थे इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवंत मान पिछले महीने से ही अपने परिवार के साथ जालंधर में रह रहे हैं ताकि उपचुनाव में यह सीट जीत सके क्योंकि तो लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी पंजाब की तेरह में से केवल तीन सीटें जीत पाई थी ऐसे में भगवंत मान के लिए जलंधर का बाइपोल एक तरह से एसिड टेस्ट है हालांकि उनकी मेहनत कितनी कामयाब रही ये तो तेरह जुलाई को पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे वैसे आमतौर पर बाइपोल सत्ताधारी पार्टी के फेवर में रहते हैं लेकिन आज जिन तेरह सीटों पर चुनाव हुए उनमें से कई पर जीतने वाले एमएलएज ने पाला बदला विरोधी पार्टी में चले गए ऐसे में जब तेरह जुलाई को रिजल्ट आएगा तो यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी छोड़ने वाले पाला बदलने वाले नेताओं के लिए जनता क्या फैसला सुनाती है सात राज्यों की तेरह सीटों पर बाय इलेक्शन के बाद अब अगला नंबर यूपी का है यूपी की दस सीटों पर उपचुनाव होने लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के लिए यह उपचुनाव बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव में जो चूक हुई वो फिर ना दोहराई जाए इसके लिए योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी में हुए नुकसान पर मंथन कर रहे हैं खासतौर से अयोध्या में हुई हार से पार्टी को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा अयोध्या में हार की वजह समझने के लिए सात जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंडल के एमएलए और एमएलसी के साथ मीटिंग की अयोध्या रीजन में फैजाबाद के अलावा अमेठी सुल्तानपुर अंबेडकर नगर और बाराबंकी लोकसभा सीटें आती हैं इस रीजन की पांचों सीटें बीजेपी हार गई योगी के साथ इस मीटिंग में सत्रह विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए सबसे पहले फैजाबाद सीट की चर्चा हुई विधायकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फैजाबाद सीट पर लल्लू सिंह को फिर से टिकट देना पार्टी को भारी पड़ा लल्लू सिंह के संविधान बदलने वाले बयान से भी नुकसान हुआ उस पर अखिलेश यादव के दलित कैंडिडेट उतारने से पूरा दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया अयोध्या के अलावा अमेठी सुल्तानपुर बाराबंकी और अंबेडकर नगर के विधायकों और एमएलसी ने भी अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को दी हर सीट को लेकर विधायकों का असेसमेंट यही था कि संविधान और आरक्षण खत्म करने वाला विपक्ष का नैरेटिव चल गया अमेठी और सुल्तानपुर के विधायकों ने इस बात को भी कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी थी जिसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम्स को वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचा पाए बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने हर सीट पर जाति समीकरणों को ध्यान रखकर टिकट दिए इसका फायदा उनको मिला दलित वोटर्स का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होना यह भी हार की वजह बना पता चला है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की हार की लोकसभा चुनाव की हर उस सीट पर ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया है जहां इस बार उसके कैंडिडेट हारे यूपी की बीजेपी लीडरशिप ने के पास पूरी रिपोर्ट है बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि योगी लगातार ग्राउंड की रिपोर्ट लेने के लिए विधायकों से मिल रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिन जिन इलाकों में कमी रह गई उसकी रिपोर्ट लेकर योगी उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अलग अलग मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ पहले भी मिलते रहे हैं और अभी भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते समय जनता के बीच से फीडबैक क्या है सरकार की योजनाएं कैसे पहुंच रही हैं उनको लेकर के शासन की व्यवस्थाएं किस तरह की है बातचीत करते हैं और जहां कहीं भी समस्याएं हैं उनका समाधान देने का काम करते हैं लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उन परिणामों को लेकर के चर्चा हो रही है और जहां कहीं भी कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त करने पर एक समाधान देने पर भी बातचीत हो रही है इस खबर पर और अपडेट ले लेते हैं इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार से हमारे साथ रुचि जुड़ गई रुचि कुछ ब्रॉड ब्रॉड पॉइंट्स जो इस बैठक से निकल कर के आए हमने दर्शकों को बताए हैं क्या और फीडबैक मिला योगी आदित्यनाथ को पार्टी की हार क्यों हुई और उपचुनावों को लेकर और क्या करना पड़ेगा पार्टी को देखिए जब एक महीने से ज़्यादा हो गया है लोकसभा के नतीजे आए हुए चुनाव के तो बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर हो रहा है मंथन चल रहा है क्योंकि बीजेपी को खुद नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप सहारनपुर से यानी वेस्टर्न यूपी से चलेंगे और सोनभद्र जो बिहार बॉर्डर का आखिरी ज़िला है यूपी का वहाँ तक बीजेपी कह रही है कि हर जगह हमारा वोट कम हो गया अब ये वोट भी कम हो गया सीटें भी कम हो गई तो इसको लेकर पार्टी में काफ़ी ज़्यादा चिंता है अब अयोध्या मंडल क्योंकि अयोध्या जो फैज़ाबाद लोकसभा सीट है वो एक ऐसी सीट थी सौरभ जिसे तो बीजेपी कभी सोच ही नहीं सकती थी कि वो हार जाएगी राम मंदिर बना दिया करीब तीस हजार करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं तो बीजेपी ने कभी ये नहीं सोचा था कि जहां पर राम मंदिर है उस लोकसभा सीट पर वो हारेगी तो एक बड़ा सेटबैक पार्टी को लगा लेकिन अब जो लोग आए मीटिंग में जो ये अयोध्या मंडल के थे आ, कई मंडलों की मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की आजमगढ़ की भी की है मिर्ज़ापुर की भी की है लेकिन अगर हम अयोध्या की बात करें तो जैसा आपने बताया अभी सौरभ की एक तो जो कैंडिडेट था उसका उन लोगों ने कहा कि सिलेक्शन बीजेपी ने सही नहीं किया और उधर अखिलेश यादव ने एक जनरल सीट पर एक दलित को उतार दिया अब एक तरफ लल्लू सिंह थे जो दो बार के एम हैं पी है और जनता वहां उनसे नाराज़ है क्योंकि जनता का ये आरोप है कि वो जनता की बात नहीं सुनते कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं था दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद अब अवधेश प्रसाद नौ बार के एम एल ए है वहां पर तो आप समझ सकते हैं सौरभ जो नौ बार का एम हो उसकी जनता में पकड़ कितनी ज्यादा होगी और फिर जब दलित वोट पूरा इस तरफ आ गया इंडिया गठबंधन में तो इसलिए उनको जीत मिली अब आप अयोध्या का दो चुनाव अगर देखेंगे तो लल्लू सिंह के मुकाबले समाजवादी पार्टी मित्र सेन यादव या उनके बेटे आनंद सेन को उतारती थी जो यादव थे तो यादवों का वोट मिलता था मुस्लिम का वोट मिलता था लेकिन बाकी वोट नहीं मिलता था वो इस बार नहीं हुआ जिसकी वजह से यह हार का सामना करना पड़ा है बहुत सारी बातें और भी वहाँ पर कही गई हैं और अब बीजेपी में यही कोशिश हो रही है कि जो कमियाँ थी उनको दूर किया जाए और कम से कम अभी बाई इलेक्शन है दस सीट्स पर उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें यह नुकसान पार्टी को ना उठाना पड़े इसके लिए लगातार बैठक हो रही है ना सिर्फ वो जो सीट हारी है जहाँ मार्जिन कम हुआ है वहाँ भी पूरी समीक्षा की जा रही है सौरभ रुचि बहुत शुक्रिया आपका ये बात तो सही है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में इतना बड़ा नुकसान होगा इसका अंदाजा बीजेपी की लीडरशिप को नहीं था पूरे देश और खास तौर से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने के असर की उम्मीद बीजेपी के नेताओं को पूरी पूरी थी यूपी में पूरा कैंपेन राम मंदिर के आसपास चल रहा था अपने हर भाषण में योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का जिक्र करते थे यही वजह कि अयोध्या में हुई हार बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चूहने वाली है संविधान और आरक्षण खत्म करने वाला विपक्ष का नैरेटिव जनता के दिल को चिपक गया और यूपी में बीजेपी को इसका नुकसान हो गया लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद यह बात तो साबित हो चुकी है कि विपक्ष संविधान और आरक्षण को लेकर जो दावे कर रहा था वो गलत साबित हुए हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब भी यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सीटें बढ़ने की वजह से संविधान बच गया लेकिन आने वाले बायपोल्स में यह इशू जनता पर असर करेगा ऐसा नहीं लगता इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते महाराष्ट्र में दो दिन बाद विधान परिषद के चुनाव होंगे 12 जुलाई को 11 सीटों पर वोटिंग होगी 11 सीटों के लिए 12 कैंडिडेट्स मैदान में हैं बीजेपी के पांच कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं एक शिंदे और अजीत पवार ने दो दो कैंडिडेट्स उतारे हैं जबकि महाविकास आघाड़ी की तीन पार्टियों ने अपना एक एक उम्मीदवार दिया है लेकिन चूंकि किसी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा इसलिए समाजवादी पार्टी और ए आई जैसी पार्टियां इसे लेकर सवाल उठा रही हैं समाजवादी पार्टी की विधायक रईस शेख ने इसे लेकर महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं उद्धव ठाकरे नाना पटोले और जयंत पाटिल को चिट्ठी लिखी है उन्होंने कहा है कि विधान परिषद के 11 सदस्यों का कार्यकाल 27 जुलाई को खत्म हो रहा है लेकिन एक भी मुसलमान नेता को उम्मीदवारी नहीं दी गई यह अच्छी बात नहीं है रईस शेख का कहना है कि महाराष्ट्र में करीब 11 फीसद आबादी मुसलमानों की है लोकसभा की 14 सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करते हैं लेकिन पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला और अब विधान परिषद के चुनाव में भी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया अगर मुसलमानों की ऐसी अनदेखी की गई तो वो AIMIM की तरफ झुक सकते हैं रईस शेख ने कहा कि अपर हाउस में मुस्लिम कैंडिडेट न उतारने से मुसलमानों में काफी नाराजगी है महाविकास आघाड़ी को अपनी यह भूल सुधारनी चाहिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो भूल गए होंगे कि 1937 से हाउस है और 1937 से ऐसा नहीं हुआ कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि परिषद में नहीं गया परिषद में आज मुसलमानों की माइनॉरिटी की आवाज़ ही नहीं है इसका जिम्मेदार कौन है ये आज लोकसभा के अंदर जो मुसलमानों ने रोल प्ले किया चाहे उस राहुल गांधी जी हो अखिलेश यादव जी हो सभी नेताओं की आवाज़ पे एकमुट होकर उन्होंने वोट दिया जिसका रिजल्ट महाराष्ट्र में दिखा लेकिन हमको मिला क्या बात बहुत नीचे स्तर पर लोगों तक पहुंची है हमारे जो इंटेलेक्चुअल समाज है टीचर समाज है डॉक्टर समाज है हमसे आज पूछ रहा है कि इतना बड़ा अन्याय क्यों क्योंकि वो अपर हाउस है वहां पे हमारी प्रतिनिधित्व होना चाहिए वहां पे इंटेलेक्चुअल से आते हैं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा तेरह सीटें कांग्रेस नहीं जीती थी इसलिए जब कांग्रेस के नेताओं से एमएलसी इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट ना दिए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो बाला साहेब थोराट ने इमरान प्रतापगढ़ी की याद दिलाई कहा यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा था रही बात एमएलसी चुनाव की तो आगे इसका ध्यान रखेंगे आज नहीं है कल होंगे कोई ये नहीं है और हमने तो यहाँ से राज्यसभा का मेंबर भी यहाँ से चुन के दिया है प्रतापगढ़ी इमरान प्रतापगढ़ी उनका सर कहना है कि 12 परसेंट मुसलमानों के वोट है लेकिन एक भी मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं दे रहे ना लोकसभा में दिया और विधानसभा विधान परिषद में भी आप लोगों ने नहीं दिया आगे जाके कांग्रेस जरूर उसके बारे में काम करेगी नोट करने वाली बात यह है कि शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आभाड़ ये बात कबूल कर चुके हैं कि मुसलमानों को सही रिप्रेजेंटेशन ना देना ठीक बात नहीं है आगे ऐसा नहीं होना चाहिए इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि असेंबली इलेक्शन में उनकी पार्टी मुसलमानों को टिकट जरूर देगी विधान परिषद से यह तय नहीं हो सकता कि मुसलमान किसके साथ रहेंगे क्या है तो मुझे लगता है कि विधानसभा में उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देके चुन के लाना चाहिए ये बराबर है कि उनका प्रतिनिधित्व कम होना यह महाराष्ट्र के लिए प्रोग्रेसिव प्रोग्रामी महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम आपकी पार्टी से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलेगा टिकट टिकटों के बंटवारे में समान अधिकार मिलेगा जरूर जरूर मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा अभी ज्यादा सीटें हैं ना दो सौ अट्ठासी सीटें मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा मालेगांव अकोला बंबई के चार सीटें प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा महाराष्ट्र में एमएलसी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो बात उठाई वो बात असदुद्दीन ओवैसी अपनी हर तकरीर में हर भाषण में कहते हैं वो बार बार कहते हैं कि खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है वो मुसलमानों को उनका हक नहीं देना चाहते आज यही बात ए के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने कही उन्होंने कहा कि विधानसभा के जिन ग्यारह मेंबर्स का टर्म खत्म हो रहा है उसमें दो मुसलमान भी हैं तो कम से कम एक मुस्लिम कैंडिडेट को तो जरूर टिकट देना चाहिए था विधान परिषद के चुनाव में भी इन पार्टियों ने किसी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है ये मुस्लिम समाज के साथ अन्याय है अभी 27 जुलाई को ये समाप्त हुआ 11 लोग बाहर हो रहे हैं उसमें दो मुसलमान भी हैं उनकी जगह पर मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए था लेकिन वो पार्टियां जो मुस्लिम समाज की हिमायत का दम भरती हैं उन्होंने भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार दिया नहीं है पूरे महाराष्ट्र के अंदर उस मुद्दे को लेकर के नाराजगी है लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों को माइनॉरिटी कम्युनिटी कम्य। 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 के खासतौर से मुसलमानों के बहुत वोट मिले ऐसे में समाजवादी पार्टी जो इशू उठा रही है वो वाजिब है लेकिन महाविकास आघाड़ी की दिक्कत यह है कि उसका मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति से है महायुति से है जो अग्रेसिव हिंदुत्व की सियासत करती है ऐसे में आघाड़ी के नेता अपने ऊपर मुस्लिम तुष्टिकरण का इल्जाम लगने से बच रहे हैं क्योंकि तीन महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और आघाड़ी की पार्टियां लोकसभा चुनाव के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहती हैं वैसे चुनाव से पहले एक और हिट एंड रन केस ने सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार को मुश्किल में डाल दिया है और अब शिंदे सरकार डैमेज कंट्रोल की मोड में है मुंबई में अपनी बी गाड़ी से एक महिला को कुचल मार डालने के आरोपी मिहिर शाह को आज कोर्ट ने सात दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है मिहिर शाह को एक दिन पहले अरेस्ट करने के बाद आज मुंबई पुलिस के उस मुंबई पुलिस ने उसे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया उसकी कस्टडी मांगी पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आरोपी घटना के बाद भाग गया उसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि बाल और दाढ़ी काट लेना यह कोई ग्राउंड नहीं है जिससे आप किसी को कस्टडी में भेज दें इसके बाद पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने अपनी कार की नंबर प्लेट निकाल कर नंबर प्लेट प्लेट फेंक दी वो कहां है यह पता लगाना है इसके अलावा यह भी पता लगाना है कि भागने में उसकी मदद किस किस ने की इसके बाद कोर्ट ने मिहिर शाह को 16 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया लेकिन जिस महिला की एक्सीडेंट में मौत हुई है उनके पति का कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए और उनकी पत्नी को जिस बेरहनी से मारा गया इस आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए वो जोर से जोर से चक्के पे धुआ आया फिर भी वो गाड़ी रुकाए नहीं इतने जोर से चलाया मैं चिल्ला रहा है रुको रुको वो रुका नहीं और ऐसा दौड़ाया गाड़ी की आदमी नहीं है जानवर है उसके नीचे मेरा वाइफ मैं ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है मिला नहीं मैं लोगों को बोलता है किधर किधर है किदर है है मिल रहा है कि नहीं वाइफ को सजा देना है तो फास्ट ट्रैक पे दीजिए अभी केस आगे आगे बढ़ते जाएगा अभी भगवान को मालूम क्या होएगा मिर शाह ने एक्सीडेंट को पहले जुहू के जिस बार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी और उसके खिलाफ भी उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया एक्साइज डिपार्टमेंट कल इस बार को सीज कर चुका था और आज बीएमसी की टीम यहां बुलडोजर लेकर पहुंच गई बीएमसी का कहना है कि नोटिस भी दिया गया था हिट एंड रन के इस मामले में आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को आज शिवसेना ने उनके पद से हटा दिया राजेश महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में उपनेता के पद पर थे और इसलिए विपक्षी दल लगातार एकनाथ शिंदे की सरकार पर सवाल उठा रहे थे महाविकास आघाड़ी के तमाम दलों के नेता बार बार कह रहे हैं कि मिहिर शाह को बचाने की कोशिश हो रही है पुलिस ने जानबूझकर उसे तीन दिनों तक अरेस्ट नहीं किया ताकि यह साबित ना हो पाए कि उसने शराब पी रखी थी इसके अलावा विपक्षी दलों का यह भी कहना है शिंदे सरकार उसको फेवर कर रही है इसलिए आज शिवसेना ने राजेश शाह को उनके पद से हटा दिया इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा सरकार किसी को फेवर नहीं करेगी जो गुनहगार होगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवार को सीएम राहत कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया और कहा कि सरकार इस मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर दिलाएगी हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि इसमें कोई भी हो कानून के सामने सब बराबर है कोई बड़ा छोटा नहीं और हिट एंड रन में जो दोषी है जो गुनागार है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी जो बार है जो देर रात तक चलते हैं, पब है वहाँ पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है ये सब बेचने वाले जो हैं, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है ये सभी लोग कानून के सामने कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं आज उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे उनकी बात सुनी फिर मीडिया के सामने आए तो कहा कि आरोपी ने जिस बेहमी के साथ एक महिला को अपनी गाड़ी से कुचला उसके बाद रुका भी नहीं डेढ़ किलोमीटर तक महिला को घसीटता रहा सीधे-सीधे मर्डर है इस मामले में सिर्फ बार पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई का दिखावा नहीं करना चाहिए बल्कि असल गुनहगार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मैं और असलम शेख जी दोनों यहां आए हैं उस दिन भी हम एफ आई जब में दाखिल कर रहे थे और हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले जो मिहिर राजेश शाह जिन्होंने इनकी पत्नी को मर्डर किया इनके पत्नी का मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सीडेंट था ये नहीं कहूंगा कि हिट एंड रन थी ये मर्डर था और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए जो बुल्डो जस्टिस हर जगह ये रेजीम देने की कोशिश करता है उनके घर पे अभी करके दिखा बीएमसी किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है रास्ता जिसने बनाया सी, सीलिंग जिसने बनाया लेकिन मिहिर राजेश शाह पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये बीएमसी ने जवाब देना जरूरी है उनके घर पे पहले बुलडोजर लेकर महाराष्ट्र असेंबली में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के लीडर विजय वडेटीवार ने कहा कि सरकार इस मामले में लिपा कर रही है आरोपी को बचाने के लिए उसे तीन दिन बाद गिरफ्तार किया गया अब इस मामले में एसआईटी से जांच होनी चाहिए वर्ली हिट एंड रन में जो लोकल आए यह सरकार ने शासन ने और सरकार के लोगों ने जान बुझ कर ये को दबाने की कोशिश की है इस प्रकरण के प्रकरण को लूज करने की कोशिश किए की आरोपी को बचाने की पूरे पूरी कोशिश किए ये मैं तो यह कहूंगा कि इसकी एसआईटी आई टी जांच होनी चाहिए जब वो आरोपी 48 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद में वो अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं ये पता थोड़ी चलेगा इसीलिए उसको छुपाया गया पुलिस को पता था कि वो कहाँ है फिर भी उसको नहीं उसके दो बार उसने खुद की टेस्ट करवाई और उसको जब लगा कि अभी मेरे बॉडी में अल्कोहल नहीं है तभी वो आके सरेंडर हुआ और पुलिस ने दिखावा किया और अब बात उत्तर भारत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की बाढ़ बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में हालात अलार्मिंग है यूपी के पीलीभीत लखीमपुर मुरादाबाद बदायूं, बाराबंकी बलरामपुर सिद्धार्थनगर गोरखपुर श्रावस्ती और बलिया समेत 12 जिलों में भयंकर बाढ़ आई हुई है गंगा रामगंगा शारदा घाघरा और राप्ती जैसी नदियों का वाटर लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है यूपी के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में आए सैलाब में दर्जनों गांव डूब गए खेतों में खड़ी गन्ने की फसल खराब हो गई बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत और लखीमपुर के फ्लड इफेक्टेड इलाकों का पहले एरियल सर्वे किया उसके बाद वो पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले आपदा प्रभावित लोगों को राहत किट बांटी गई अधिकारियों से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ली इसके बाद योगी आदित्यनाथ लखीमपुर गए लखीमपुर में उन्होंने एनडीआरएफ की नाव में बैठकर पानी में डूबे हुए इलाकों का सर्वे किया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बाढ़ की सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है नेपाल और उत्तराखंड से आए पानी ने इन इलाकों में आफत ठा दी है लेकिन सरकार पहले से इसके लिए तैयार थी इसलिए हालात को काफी कंट्रोल कर लिया गया योगी ने कहा कि उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उसका सर्वे कराकर जल्द से जल्द उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ एस डी आर एफ पी एस सी की फ्लड यूनिट इन सबको तो लगाया ही है स्थानीय गोताखोर भी हैं, हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है बाढ़ से बारह जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित है और इन बारह बारह जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं 133 एक सौ तैतीस गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है हजारों हेक्टेयर भूमि तो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसे तराई वाले इलाकों पर पड़ रहा है नेपाल और उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से बांध के गेट खोल दिए गए जिसकी वजह से इन जिलों में नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया पीलीभीत में हालात ये हैं कि कई गांव तो डूबे ही हैं देवाह नदी का पानी शहर के अंदर भी घुस गया है पीलीभीत का कलेक्ट्रेट ऑफिस एसपी ऑफिस कचहरी के सामने वाली रोड सब जगह पानी है इसकी वजह से इन दफ्तरों में कामकाज ठप हो गया है देवाहा नदी का पानी शहर में घुसा तो शारदा नदी की चपेट में दर्जनों गांव आ गए नवादा गुजिया मीरपुर गनकौर समेत दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां लोग मदद की पुकार कर रहे हैं बाढ़ की चपेट में एफसीआई के दो गोदाम भी आ गए एफसीआई के गोदाम में चार फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है इसकी वजह से यहां स्टोर किए गए छत्तीस हजार टन अनाज के खराब होने का संकट है हालात ये हैं कि अधिकारी गोदाम के अंदर जाकर नुकसान का जायजा भी नहीं ले पा रहे एफ के अफसर ने कहा कि इस इलाके में कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई उनकी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि गोदाम में रखा अनाज बचाया जा सके बारिश से पानी बारिश तो काफी दिनों से हो रही है लेकिन बारिश से इस गोदाम पे कोई असर नहीं पड़ा था अच्छा। बारिश तो आज दस दिन से हो रही है यहां पे लेकिन जो ये आठ और नौ तारीख की रात्रि में प्रातः चार पांच बजे जो पानी छोड़ा गया है वो पानी अचानक से बहुत भारी संख्या में पूरे इलाके में जो है घुसा है आने जाने का रास्ता बंद इतने इतने पानी में हम लोग होके आ रहे हैं चैलेंज है हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और जितना कोशिश हो सकेगा उसको बचा के हम लोग अपना सुरक्षित करेंगे उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश आफत का सबब बनी हुई है लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह सड़कें बंद हैं आज बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पाताल गंगा लंक्सी टनल के पास लैंडस्लाइड हुआ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया जिस वक्त हादसा हुआ वहां से कुछ दूरी पर लोग थे पलक झपकते हुए इस हादसे से लोग दहशत में आ गए लैंड स्लाइड कितना खतरनाक था इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि काफी देर तक हर तरफ धूल का गुबार छाया रहा लैंड स्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया सोचिए अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है और देश के कई राज्यों में बाढ़ आ चुकी है मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 12 जुलाई के बाद देश भर में भारी बारिश हो सकती है ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं सरकारों को इस कुदरती आपदा से निपटने के लिए और तेजी से एहतियाती कदम उठाने होंगे कुदरती आपदा को तो रोका नहीं जा सकता लेकिन इस बात की कोशिश जरूर हो सकती है कि इससे ज़्यादा नुकसान ना हो और लोगों की परेशानी कम की जा सके प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कहा कि यह दौर युद्ध का नहीं है देशों के बीच मसलों का हल बातचीत से कूटनीति से होना चाहिए बम बंदूक से नहीं प्रधानमंत्री मोदी आज एक दिन के दौरे पर सेंट्रल यूरोपियन देश ऑस्ट्रिया में है मोदी कल रात ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे थे कल शाम वियना पहुंचने पर ऑस्ट्रिया के चांसलर फ्रैंक नेहमर ने उनका स्वागत किया दोनों नेताओं ने साथ में डिनर किया और ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की आज वेना की ग्रैंड चांसलरी में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया बाद में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर ने चांसलर के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने का फैसला हुआ इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताई कहा कि अब युद्ध का दौर बीत चुका है सारे विवाद डिप्लोमेसी से सुलझाए जाने चाहिए मैंने पहले भी कहा है युद्ध का समय नहीं है समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता कहीं भी हो मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है प्राइम मिनिस्टर मोदी 41 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था इसी साल भारत और ऑस्ट्रिया के कूटनीतिक संबंधों के 75 साल भी पूरे हुए हैं ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का वेना दौरा और खास हो गया मोदी ने वियना में ऑस्ट्रिया के म्यूजिक का भी लुत्फ उठाया ऑस्ट्रिया के एक म्यूजिक ग्रुप ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को की एक संगीतमय प्रस्तुति दी कल शाम को जब प्रधानमंत्री मोदी वियना पहुंचे थे तो ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी उनके स्वागत के लिए आए थे मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर फ्रैंक नेमर के साथ भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की थी आज रात प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया में भारतीय मूल के लोगों को एड्रेस करने वाले हैं इस बार की अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उनतीस जून से शुरू हुई इस यात्रा के ग्यारह दिनों में अब तक ढाई लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए कठुआ में हुए आतंकी हमले और शिवलिंग के पूरी तरह पिघलने के बावजूद भक्तों की आस्था उत्साह में कोई कमी नहीं आई है अमरनाथ गुफा जाने वाले बालटाल और पहलगाम के रास्तों पर हजारों श्रद्धालु जमा जय शिव शंकर हर हर महादेव हर रोज़ सिर्फ पंद्रह हज़ार लोगों को यात्रा पर जाने की इजाज़त दी जाती है लेकिन बीस हज़ार से ज़्यादा लोग गुफा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं जम्मू में हुए हमले के बाद यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की गई है यात्रा के रास्ते में महिला कमांडोज़ की भी तैनाती की गई है यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु भी इंतजामों से खुश नजर आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा अभी चालीस दिन और चलेगी और भक्तों की भीड़ अगर ऐसी ही बनी रही तो इस बार एक नया रिकॉर्ड बन सकता है